पहले भी यहाँ से ले चुकी हूँ, आती रहती हूँ, यहाँ पे रेट्स बहुत अच्छे होते हैं। अच्छा इसका कितना हो गया टोटल? ये शर्ट का ना, इसमें आप लाइनिंग खुद से डालोगे ब्लैक कलर का। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू मिसबा वर्ल्ड। जी हाँ, आज का वीडियो ना बहुत ही खास होने वाला है, उसके साथ साथ बहुत बड़ा राज जो है फाश भी होने वाला है, क्योंकि मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे हम लोग अंडर बजट जो है ना एक रॉयल लुक अचीव कर सकते हैं। ड्रेस डिजाइनिंग का ये वीडियो होने वाला है, बहुत ही कमाल का वीडियो है। जी तो चैनल पे न्यू है ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, और फटाफट मैं आपको बताने वाली हूँ कि मैं कहाँ से और कैसे जो है लोएस्ट बजट में जो ड्रेस डिजाइन करती हूँ। तो मैं पहुंच गई हूँ सीधे परेड मार्केट के इस फैब्रिक वाली लेन में, जो कि राज तिलक रोड कहलाती है, जहाँ पर आपको बहुत ही सस्ते दामों में बहुत ही अच्छा फैब्रिक मिल जाता है। अच्छा यहाँ पर आकर ना सबसे बड़ी बात जो होती है ना, फैब्रिक को चुनना, कलर कंट्रास्ट, अपनी बॉडी के हिसाब से, अपने पोस्चर के हिसाब से ना हम लोगों को कलर भी डिसाइड करने होते हैं। तो यहाँ पर ना बहुत सारा फैब्रिक होता है, तो हम लोगों को सोच समझ कर जो होता है ना फैब्रिक चुनना होता है। देखो फैब्रिक तो सस्ता है ही, मतलब 200 रुपए मीटर, 300 रुपए मीटर, अच्छा ज्यादा से ज्यादा हो तो 400 या 500 रुपए मीटर हो सकता है, अगर हम बहुत ज्यादा कोई अच्छा फैंसी सा फैब्रिक देखते हैं। तो हम लोग ना समर के अकॉर्डिंगली भी ड्रेस देखेंगे, और ऐसा भी देखेंगे कि रॉयल लुक भी अचीव हो और उसका जो प्राइस भी बहुत ही लो हो। जी तो बहुत सारी लेडीज ना गलती कर देती हैं सबसे पहले कलर चुनने में, मतलब देखो आप लोगों को ना अपने फेस के, अपने स्किन के कलर से ना आप लोगों को अपने कपड़ों का कलर भी डिसाइड करना होता है। ऐसा नहीं कि हम लोग कोई भी कलर नहीं डाल सकते, कोई भी कलर डाल सकते, लेकिन उसका ना बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हमारे फेस पे पड़ता है। आप माने ना माने, लेकिन हमारे कपड़ों का कलर जो है ना बहुत मैटर करता है हमारी लुक को एनहांस करने के लिए। बोलने और समझाने का मतलब यूं है कि अगर आप लोगों का कम्प्लेक्शन थोड़ा सा डार्क है, लेकिन आप लोग डार्क कलर के कपड़े पहनते हैं ना, तो और ज्यादा आपका कम्प्लेक्शन जो है डार्क लगने लगता है। लेकिन अगर आप लोग थोड़ा ब्राइट कलर, समरिश कलर, मतलब येलो सा लगाएंगे, व्हाइट सा लगाएंगे, थोड़ा सा क्रीम पे जाएंगे ना, तो आप लोगों पे वो खिलेगा। अच्छा सिमिलरली अगर कोई ब्राइट कम्प्लेक्शन वाला व्हाइट डाल रहा है, क्रीम डाल रहा है, तो उसमें उतना वो खिलता नहीं है, तो ठीक है ना। अगर थोड़ा डार्क कलर पहनेगा, ब्लैक पहनेगा या फिर ब्राउन पे जाएगा, थोड़ा डार्क शेड पे जाएगा, तो उसमें वो ज्यादा निखर के आएगा। अच्छा कुछ लोग ना, अब मेरी तरह ना कॉम्प्लेक्शन ना ही ज्यादा डार्क होता है ना ही ज्यादा ब्राइट होता है, तो वो क्या करे, तो वो हमेशा ही अपने फैब्रिक ना मिक्स वाले कंट्रास्ट कलर जो है चुने, मतलब प्लेन पे ना जाए। वो ज्यादातर ऐसे होता है ना कि ब्लैक, हम ब्लैक सूट पहनेंगे या व्हाइट सूट पहने, तो बिल्कुल ही प्लेन पे ना जाए, हमेशा ही जो है कलर कंट्रास्ट के साथ जाए। इसका दुपट्टा आएगा। अच्छा मतलब मैच कर सकते हैं दुपट्टा भी और वो भी। इसका क्या प्राइस रखते हैं? 10 कलर है ये, 500 रुपए की शर्ट है, विद दुपट्टा अगर लेना हो दुपट्टा लग जाएगा, इसमें कलर भी लगेंगे। फिर भी आप सस्ता बोल रहे हो 500, मतलब मैं मार्केट घूमती रहती हूँ। वाइन कलर है, ग्रे कलर है, येलो कलर है, व्हाइट है, पिस्ता ग्रीन है, गोल्डन है, सभी कलर मिल जाएंगे इसमें। ओके यस, एग्जैक्टली तो नहीं है लेकिन सम हाउ सेम ही है, कलर आखिरकार निकल ही आया। अच्छा अब हम आते हैं इम्पोर्टेंट दूसरी बात पर, वो होती है स्टिचिंग। देखिए स्टिचिंग भी आपको अपनी बॉडी पोस्चर के हिसाब से ही करवानी होती है। आपकी हाइट बहुत ज्यादा है तो आप बहुत ज्यादा लॉन्ग लेंथ पहनेंगे ना तो अजीब लगेगा। अब आप छोटे हैं तो बहुत ज्यादा छोटी शर्ट पहनेंगे ना तो आप और ज्यादा छोटे लगने हो जाते हैं और मोटे लगने स्टार्ट हो जाते हैं। तो आप लोगों को अपनी बॉडी के अकॉर्डिंगली अपना जो है सूट स्टिच करना है। ये नहीं कि किसी और ने जो पहना है उस पर अच्छा लग रहा है तो मेरे भी अच्छा लगेगा, ऐसा नहीं होता है गाइज। हर एक की बॉडी जो है अलग अलग होती है और उस पर अलग किस्म ही जो है स्टिचिंग सूट करती है। अच्छा मुझे भी ना पहले बहुत ज्यादा ऐसे कंफ्यूजन हो जाता, तो मैंने बहुत ज्यादा छोटी शर्ट पहन लेती थी, कभी बहुत ज्यादा लंबी पहन लेती थी, तो मुझे लगता था कि मेरे सूट क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि मैं किसी और को देखती थी। अभी जो मैंने एक आपको दिखाया दीपिका पादुकोण का जो एक कॉर्ड सेट है, उन पे वो कितना अच्छा लग रहा है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा लूज और बैगी शेप में बनाया गया और शॉर्ट है, उनकी हाइट बहुत ज्यादा है लेकिन उनका बैगी शेप में बनाया गया, क्योंकि वो पतली है, तो पतली जो है ना जितना भी वो लूज पहनेगी और ज्यादा वो बॉडी पे खिल के आता है। अच्छा अब मैं जो है बहुत ज्यादा लूज कपड़े पहनूंगी ना तो और ज्यादा ही मैं मोटी लगना स्टार्ट हो जाऊंगी। अच्छा बहुत ज्यादा फिटिंग में लगाऊंगी तो फिर तो मैं पूरा सिक्स पैक जो मैंने बना लिए वो तक वो दिख जाएंगे। तो इसलिए ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है स्टिचिंग। मैंने आपको अब खुद की अपनी एग्जांपल देती हूँ कि मैं ना ही ज्यादा मोटी हूँ ना ही ज्यादा पतली हूँ, मतलब मैं थोड़ा मीडियम वाली शेप पे हूँ, तो मुझे क्या करना चाहिए। तो मैं हमेशा ही ना बहुत ज्यादा फिटिंग में नहीं डालती हूँ कपड़े और ना ही ज्यादा लूज। आप देखेंगे मेरी जो शर्ट्स होती है ना उनमें बिल्कुल भी वो कट नहीं होता है, वो जो शेप होती है ना टाइट वाली शेप जो हम देते हैं कमर के पास, वो बिल्कुल भी वो शेप नहीं होती, क्योंकि अगर मैं वो वाली शेप दिलवाऊंगी तो मेरी बॉडी शेप बहुत ज्यादा खराब लगेगी, मैं बहुत ज्यादा मोटी लगना स्टार्ट हो जाती हूँ। तो मैं क्या करती हूँ, उसको स्ट्रेट शर्ट बना
बना देती हूँ, या तो उसको मैं एज लाइन वाली शेप दे देती हूँ, या तो मैं उसको स्ट्रेट शर्ट बना देती हूँ। अच्छा, जितनी भी मैं आपको ड्रेसेस दिखाने वाली हूँ गाइज, ये सारी मैंने राजतिलक रोड से लिए है। अच्छा, ज्यादा से ज्यादा 400 रुपए की शर्ट होगी या फिर 500 रुपए की शर्ट होगी, इससे ऊपर मैंने नहीं ली है। अच्छा, इन शर्ट्स को, इन फैब्रिक को अच्छी लुक देने के लिए, रॉयल लुक देने के लिए मैंने क्या किया, मतलब छोटी छोटी डिटेलिंग मैंने जो है ध्यान में रखी है। जैसे कि बटन्स, मतलब बटन अगर मैं लगा रही हूँ तो अगर 150 रुपए का भी बटन लगा रही हूँ तो वो थोड़ा सा डिफरेंट हो, ऐसा लगे कि किसी ब्रांड से लिया हुआ हो। अच्छा, अब सबसे बड़ी बात हो जाती है प्लाजो। अच्छा, व्हाइट प्लाजो हमारा यूनिवर्सल प्लाजो हो गया, प्लाजो पैंट्स हो गई, मतलब व्हाइट तो सबके वार्डरोब में होता है। तो मैं क्या करती हूँ, मैं दो व्हाइट रखती हूँ, एक तो स्ट्रेट सिगरेट पैंट्स बना लेती हूँ और एक थोड़ा बॉक्स ट्राउजर सा बना लेती हूँ। क्यों? क्योंकि सिगरेट पैंट्स जो होती है कुछ वाली शर्ट्स के साथ मेरी वही सूट करती है, और थोड़ी सी जो मैं शॉर्ट पहनती हूँ या फिर थोड़ा सा लूज में ज्यादा पहनती हूँ तो अब मुझे बॉक्स ट्राउजर चाहिए। अच्छा, जितनी इंपॉर्टेंट शर्ट है ना गाइस, उतनी इंपॉर्टेंट हमारा बॉटम भी होता है। हम लोग क्या करते हैं, बॉटम को ऐसे लाइटली लेते हैं, कोई बात नहीं होती, बस शर्ट तो डाल दी, नीचे से इतना कौन ध्यान देता है, ऐसा नहीं होता है। जितनी इंपॉर्टेंट शर्ट है उतनी इंपॉर्टेंट बॉटम भी है। अपनी बॉटम को आप थोड़ा सा क्लासी लुक देने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, मतलब थोड़ा एड ऑन कर सकते हैं, लेसेस एड ऑन कर सकते हैं, या फिर अगर आप लोग बॉक्स ट्राउजर यूज कर रहे हैं, मतलब थोड़ा सा जो बल्की है तो वो बॉक्स ट्राउजर यूज कर, तो स्ट्रेट उसकी जो है शेप स्ट्रेट दे। अच्छा, मैंने क्या किया, मैंने 300 रुपए का ये फैब्रिक लिया है, चीपेस्ट फैब्रिक की शॉप से मैंने 300 रुपए का फैब्रिक लिया, 150 रुपए मैंने स्टिचिंग दी है और कमाल का बॉक्स ट्राउजर मैंने बना लिया। और जब भी मैं पहनती हूँ सब बोलते हैं कि ये तुमने ट्राउजर कहाँ से खरीदा, ऐसा लगता है किसी ब्रांड से खरीदा हुआ, लेकिन मैंने स्टिच करवाया है बहुत ही कमाल का, और बहुत सारे आउटफिट के साथ मेरा जाता है। अच्छा, यू ही ना मैंने अपने बहुत सारे बॉटम्स को 200 रुपए में या 300 रुपए में लिया है और उनमें 20 या 30 रुपए की सीडी लेस एड ऑन करके उनमें थोड़ी सी रॉयल लुक जो है क्रिएट की है। तो आप लोग भी यही कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी लुक और डिजाइनर लुक आती है। तो खासकर आप जब पैंट्स बनाते हैं ना तो थोड़ी सी उसमें कुछ ना कुछ डिटेलिंग जरूर किया करें ताकि आप जो है डिजाइनर लुक आपकी निकल कर आए। अच्छा, यू पैंट प्लाजो करते करते ना हम लोग अपना बेसिक भूल ही गए, जो कि शलवार होती है, जो कि बहुत ही खूबसूरत लगती है अगर हम उसको अच्छे तरीके से डिजाइन करके स्टिच करवाए तो। अच्छा, मैंने ना एक शलवार डिजाइन की है बहुत ही कमाल की, जो कि 300 रुपए की शलवार बनकर आई ना, लेकिन बहुत ही डिजाइनर वो कई शलवार लगती है, सब मुझसे पूछते हैं कि वो कहां से खरीदी है। तो गाइस, ये शलवार ना मैंने 150 रुपए का फैब्रिक लिया है चीपेस्ट फैब्रिक की शॉप से, और अच्छा टाइगर प्रिंट तो मुझे बहुत पसंद आता है, जो मेरे रेगुलर फॉलोअर्स है वो तो जानते हैं कि मुझे ऐसे एनिमल प्रिंट्स बहुत पसंद आते हैं, लेकिन मैंने इसमें ना 60 या 70 रुपीज की मैंने लेस लेकर ना इसमें एड ऑन करके बहुत ही खूबसूरत सी मैंने ना शलवार डिजाइन किया। अच्छा, मैंने ना शलवार में पोंचा नहीं बनवाया, जो एक पोंचा होता है ना मोटा सा जो सिलाई करते रहते बहुत सारी, वो वाला पोंचा नहीं लगवाया, क्योंकि उससे ना बहुत ही बहुत पुरानी ओल्ड फैशन वाली लुक आती है। तो मैंने बिल्कुल इसमें दो सिलाई मरवाई हुई है और बिल्कुल ही मतलब एक सिंपल सी शेप दिलवाई शलवार की, ज्यादा कुछ इसमें नहीं करवाया, ज्यादा घेरा नहीं दिलवाया, तो मतलब ये बहुत ही कमाल की लगती है। जब मैं इस पे ना शॉर्ट शर्ट भी डालती हूँ तो भी बहुत कमाल का लगता है, जो कोई मैं अपना प्लेन कोई शर्ट डालती हूँ, ब्लैक कलर की या व्हाइट कलर की या ब्राउन कलर की कुर्ती डालती हूँ ना लॉन्ग, तो भी बहुत ज्यादा कमाल लगती है। तो बोलने और दिखाने का मकसद ये है गाइस कि आप लोग भी ना यूं ही जाके लोकल मार्केट से फैब्रिक चुनकर उसमें थोड़ा सा दिमाग लगाकर थोड़ा सा एड ऑन करके ना सस्ती चीज को भी बहुत ही रॉयल लुक में जो है कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है गाइस कि हम किसी बड़े शोरूम से लाकर कोई भी आउटफिट लाएंगे उसको पहनेंगे तो हम लोग बहुत रॉयल लगेंगे, ऐसा नहीं होता है। इसका सारा ना माइंड सेट होता है, आप लोग क्रिएट कैसे करते हैं, आप लोग कैसे कैरी करते हैं आउटफिट्स को, वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट टिप मैं आपको देती चलूँ ना कि वो है आपका कॉन्फिडेंस। आपका कॉन्फिडेंस अच्छा हो, अपनी ड्रेस डिजाइनिंग को कैरी करने का कॉन्फिडेंस होना, तो आप लोग बहुत ही छोटे से मतलब जगह से भी अगर आप कपड़ा लेकर आते हैं उसको डिजाइन करते हैं ना तो आप लोग जो है रॉयल दिखना शुरू हो जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट यही टिप होती है। उसके अलावा गाइज, मैंने जो है ना 500 रुपए में पाकिस्तानी कुर्ती डिजाइन की है, तो मैं आपको बताती हूँ कि मैंने फैब्रिक कैसे लिया और उसको कैसे कहाँ से स्टिच करवाया और 500 रुपए में मैंने डिजाइन किया और बहुत ही कमाल की कुर्ती बनकर आई, तो आप लोगों से भी शेयर करती हूँ। और उससे पहले एक स्पेशल अनाउंसमेंट, एक स्पेशल डे के लिए जो कि है 15 अगस्त, और 15 अगस्त पे मैं अपने एक लकी सब्सक्राइबर को चुनने वाली हूँ जिसको मैं कैश गिव अवे करने वाली हूँ गूगल पे के थ्रू। और जो कमेंट मेरे दिल को ज्यादा छुएगा और मेरे चैनल पर ज्यादा से ज्यादा कमेंट करेगा और जो कमेंट अच्छा होगा ना उसको मैं जो है कैश गिव अवे करने वाली हूँ, क्योंकि आर्टिकल पहुंचाने में मुझे भी बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, तो स्पेशल गिव अवे होगा। और जिस लकी सब्सक्राइबर को मैं चुनूंगी उसको मैं वीडियो के थ्रू ही जो अपडेट करूंगी और वो मुझे इंस्टाग्राम के थ्रू अपना अकाउंट नंबर देगा,
आज यहाँ पर मैं उनको जो है कैश गिव अवे करूंगी। अच्छा अब बात करते हैं पाकिस्तानी कुर्ती जो मैंने जिस 500 रुपए में जो है डिजाइन करी हूँ, तो आप लोग उसमें बताती हूँ कि मैंने वो कहाँ से फैब्रिक लिया और कैसे उसको डिजाइन किया है। अच्छा मैंने फैब्रिक ना थोड़ा सा लूज लूज सा सॉटन सॉटन सा फैब्रिक चुना है, क्यों? क्योंकि मुझे शॉर्ट कुर्ती बनानी है, क्योंकि पाकिस्तानी कुर्ती शॉर्ट होती है। अच्छा अगर मैं कॉटन या कोई और फैब्रिक लेती तो उसमें सिलवटे पड़ के ना और ज्यादा छोटा लगना शुरू हो जाता है, जो ये बैठते या चलते उसमें सिलवटे पड़ती है, तो मुझे ऐसा फैब्रिक चाहिए था जिसमें सिलवटे ना पड़े, थोड़ा सा लूज लूज सा फैब्रिक हो। अच्छा अगर आप मेरे रेगुलर फॉलोअर्स हैं, आप लोग जानते हैं कि मैंने आइजक क्रिएशन से जो कि भटिंडी में होलसेलर है, बिगेस्ट होलसेलर, वहां से फैब्रिक लिया था अपने कॉर्ड सेट के लिए। तो उसी दौरान मैंने एक फैब्रिक लिया था जिसको मैंने यूज नहीं किया था, तो आज मैंने सोचा कि उसकी एक पाकिस्तानी कुर्ती बना लेते हैं। अच्छा मैंने इसकी ड्रेस डिजाइन ना ऑलरेडी भी शेयर करी हुई अपने इंस्टाग्राम पर, तो अगर आप लोगों ने वहां पर नहीं देखा है तो बहुत सारे लोगों ने मुझे वहां पर देखने के बाद ही बहुत सारे डीएम किए कि आप डिटेल में बताइए कुर्ती के बारे में, आपने अपने यूट्यूब चैनल पर नहीं बताया। तो मैंने सोचा कि मैं एक डिटेल वीडियो भी बना लेती हूँ कि मैंने वो कहाँ से और कैसे और कितने दामों में बनाया। अच्छा फैब्रिक मैंने 200 रुपए में लिया है, जो कि शायद डेढ़ या दो मीटर भी पूरा नहीं था, क्योंकि जो इसका बर था ना बड़े बर वाला फैब्रिक था। अच्छा इस शॉप पे ना फैब्रिक आपको होलसेल में मिलता है, और अगर आप लोग थोड़ा कम फैब्रिक भी लेना चाहते तो भी मिल जाता है, तो मेरे लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन ये रहता है इस शॉप का। तो इस शॉप का एक इंस्टाग्राम का पेज भी है जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा लूंगी, ताकि आप लोग भी जाके चेक कर सकते हैं अगर आप लोगों को कुछ और भी पसंद आता है, क्योंकि कश्मीरी आर्ट, पाकिस्तानी सूट, इंडियन सूट ये होलसेल में बेचते हैं, तो आप लोगों का भी फायदा होगा अगर आप लोग बल्क में भी खरीदना चाहते हैं। तो अब अच्छा आउटफिट का फैब्रिक तो डन हो गया, अब इसकी लेसेस थी, इसमें मैं कुछ एड ऑन करने वाली हूँ लेसेस। चलो कोई नहीं, जितने का भी है यही पे ना घर में ही रहेगा, आगे पीछे मेरे पास अच्छा। वो जो होती है ना सीढ़ी लेस जो आजकल लगाते हैं सूटों के बीच में ना, थोड़ा बॉर्डर चौड़ा होना चाहिए, ब्लैक में ऐसी लेसेस वाली शॉप आपको कहीं पे भी मिल जाती है, जहाँ पर आपको सीढ़ी लेस या फिर बॉर्डर वाली लेसेस मिल ही जाती हैं। और मैं खासकर यहाँ पटेल बाजार में सचदेवा लेस के पास आई हूँ, क्योंकि इनके पास बहुत ही अच्छी लेसेस होती है और बजट फ्रेंडली लेसेस होती है। तो मैंने बहुत सारी लेसेस जो है देखी भी है, खरीदी भी है, और आजकल ना ये लूप वाली लेसेस बहुत ज्यादा इन है, तो मैंने सोचा कि ये वाली लेस भी एक्स्ट्रा भी ले लेते हैं, क्योंकि बार बार ऐसे मार्केट के चक्कर लगाने पड़ते हैं, गाड़ी का पेट्रोल भी जल जाता है, तो हमारा जो है ड्रेस डिजाइनिंग बजट में नहीं रहती, बहुत ज्यादा बजट बन जाता है। तो मैंने सोचा कि लगे हाथों और भी लेसेस जो है खरीदी जाए। तो गाइस मैंने ना यहाँ से बॉर्डर लिया है, बहुत ही कमाल का बॉर्डर मैंने अपनी कुर्ती के लिए यहाँ से लिया। उसके अलावा मैंने सीढ़ी लेसेस भी ली हैं, उसके अलावा मैंने लूप लेसेस भी ली हैं, बहुत सारी मैंने यहाँ से लेसेस ली हैं। तो यूं ना हमें पहली नजर में कोई चीज पसंद आ जाती है, तो बिल्कुल ही ऐसी ये लेस मुझे पहली नजर में पसंद आ गई और मैंने पहली नजर में डन बोल दिया अपनी कुर्ती के लिए, और मुझे 150 रुपए में लेस मिली है सिर्फ अपने स्लीव्स के लिए। अच्छा उसके अलावा गाइस अब मैं इसको स्टिच कराने की बारी आती है, तो मैं स्टिचिंग के लिए जो है अपनी चीपेस्ट जो है टेलर है, सस्ती टेलर, उनके पास जाने वाली हूँ। अच्छा अच्छा आप लोग ना बहुत ज्यादा कंसर्न दिखा रहे हैं कि मैंने 300 रुपए स्टिचिंग बोला है, वो 400 रुपए मांग रही है। देखिए गाइस आई नो उसने शायद बढ़ा दिए हैं प्राइजेस, इवन मैं भी अब 400 रुपए ही दे रही हूँ, लेकिन ये बात होगी कि उसके पास काम बहुत ज्यादा हो गया था। अच्छा आप अगर वहां तक पहुंचे हैं तो आप लोग जानते होंगे कि उसकी सिचुएशन क्या है, वो जो है इजिली वहां पे कपड़े स्टिच नहीं कर पाती है। आई नो हमें किसी के रोने धोने से मतलब नहीं होता, हम अपने काम से मतलब होता है, लेकिन कभी कभी ना हमें थोड़ा इमोशनल भी बन जाना पड़ता है अपनी लाइफ में, कि हमें किसी की जो है ना उसकी सिचुएशन पर भी जो है हमें थोड़ा सा ना अपने दिल में रहम पैदा करना चाहिए। देखिए वो उसकी सिचुएशन बहुत वर्स्ट सिचुएशन में वो काम कर रही है, और आजकल तो बहुत ज्यादा बीमार हो गई है, उसने बहुत सारे लोगों को उसके उनके फैब्रिक वापस भी कर दिए कि वो स्टिच नहीं कर पाएगी, उसको अचानक से इतना सारा बर्डन आ गया। कोई ऐसा इंसान जो पहले जिसके पास इतना काम ना हो अचानक से काम आ गया हो, और उसने अगर पैसा 100 रुपए बढ़ा भी लिया तो क्या हो गया, हम लोग तो कभी कभी चिप्स और अपनी चॉकलेट्स पे भी 100 रुपीज एक्स्ट्रा कर ही लेते हैं, मेरा ये मानना है, बाकी आपकी अपनी मर्जी है, अगर आप लोग वहां से स्टिच कराना चाहते नहीं कराना चाहते वो आपकी अपनी विल है। अच्छा गाइज मुझे ना इनकी स्टिचिंग पसंद आती है, मुझे जल्द से जल्द सूट मिल जाता है। अच्छा ऐसा भी नहीं है कि मैं आज यूट्यूब पर हूं तो मेरी स्टिचिंग ये कम लेती है और मुझे जल्दी सूट देती है, ऐसा नहीं है, मैं इस टेलर को 4 साल पहले से जानती हूं, और ऐसा भी नहीं कि मैं इनकी मदद नहीं करती हूं। अगर मुझे वो चीज दिखानी हो ना तो मैं यहाँ पर नहीं दिखाऊंगी, और मैं किसी को उसको बिचारा बन के उसकी मदद नहीं करना चाहती हूँ। इनके पास जो टैलेंट था मैंने वो लोगों को दिखाया, और
तब जाके आप लोगों ने अपने सूट दिए तो फिर इनकी मदद हुई है, इनके टैलेंट से इनकी मदद हुई है। तो कुछ लोग बहुत ज्यादा सेल्फ रिस्पेक्ट वाले लोग होते हैं, उनमें से ये टेलर भी है। एंड इट्स टोटली अप टू यू, ऐसे फोर्सफुली आप नहीं जाएंगे, आपको जहां पे अच्छा लगता है वहां पे जाके स्टिच करवाए। मुझे यहाँ पे अच्छा लगता है तो मैं यहाँ पे स्टिच करवाती हूँ, और मुझे ना मेरा सूट जो है बिल्कुल अपने सामने स्टिच मैंने करवाया, मैं वहीं बैठी रही हूँ और मुझे सूट जो है स्टिच करके मिला है बहुत ही कमाल का, जैसा मैं चाहती थी। और हमेशा से जो है ना मैं एक ड्रॉ करती हूँ स्केच, ताकि वो भी ना भूले और मैं भी बिल्कुल सेटिस्फाइड रहूँ। और आप लोगों में यही सजेस्ट करूंगी कि जिस भी टेलर से आप स्टिच करवा रहे हैं एक ड्रॉ किया करें स्केच, ताकि वो भी ना भूले और आप भी सेटिस्फाइड रहे कि आपको वैसा ड्रेस मिलेगा। और बहुत ही खूबसूरत जो कुर्ती है ना मेरे सामने आ गई है, मतलब मेरी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा थी, क्योंकि मुझे लगा था कि फैब्रिक थोड़ा सा ना स्टिचिंग के लिए मुश्किल होगा, तो शायद स्टिचिंग खराब होगी, लेकिन बिल्कुल भी स्टिचिंग खराब नहीं है, एग्जैक्ट जैसा मैं चाहती थी बिल्कुल ही वैसा। अच्छा प्लाजो ना मैंने एक्स्ट्रा इसमें रखा हुआ है, जो कि मैं सभी मोस्टली अपने सूट के साथ डालती हूँ, ब्लैक कलर का प्लाजो। और बहुत ही खूबसूरत ये सूट बन के आया है, मतलब एक पाकिस्तानी कुर्ती बनकर आई है, पाकिस्तानी शेप में मैंने इसको बनवाया और खास करके स्लीव्स मैंने काम करवाया जी। तो मैं आपको डिटेल देती चलूं कि मैंने फैब्रिक जो है 200 रुपए का लिया है, स्टिचिंग मैंने 150 रुपए दी है, उसके अलावा लेसेस जो है मैंने 150 रुपीस की लेसेस ली है। बहुत ही कमाल का आउटकम आया है और मेरी बॉडी शेप पर ने बहुत ज्यादा सूट कर रहा है। अब देखिए मैंने जो लेंथ है शॉर्ट रखवाई है, लेकिन प्लाजो मैंने थोड़ा सा लूज रखवाया है, उसके अलावा मैंने फिटिंग में इसको बिल्कुल नहीं बनाया, थोड़ा लूज लूज इसके स्लीव्स है, लूज लूज शर्ट है, बहुत ही कमाल का। और फैब्रिक मैंने अकॉर्डिंग टू अपनी बॉडी शेप के लिया है, अगर मैं ये कॉटन में सिलवाती ना तो मैं बहुत अजीब लगती, मोटी लगती, लेकिन फैब्रिक मैंने ऐसा लिया जो मेरी बॉडी के साथ मतलब बहुत ज्यादा अच्छे से ढल जाए, मैं इसमें बहुत अच्छी लगूं, प्रिटी लगूं। अच्छा बहुत सारे लोग ना ये बोलते हैं और कमेंट भी करते हैं कि मैं फजूल खर्चे करती हूँ, शॉपिंग करती रहती हूँ, ड्रेस ब्रांडेड लेती हूँ, पैसे वेस्ट करती हूँ। तो आज ये राज खुल गया है कि हम लोग रॉयल लुक जो है अचीव कर सकते हैं, अच्छी शॉपिंग जो है बजट में कर सकते हैं, अपने पैसे बचा सकते हैं। हाँ मैं बहुत सूट बनाती हूँ, स्टिच करती हूँ, लेकिन बजट में रह के करती हूँ और वो चीज बनाती हूँ जो मेरे पे सूट हो गाइस। तो आप लोग भी ऐसा ही कर सकते हैं, अच्छी लोकल मार्केट से अच्छा फैब्रिक लेकर अच्छी स्टिचिंग करा के, स्टिचिंग के थोड़े से आइडियाज, अपना थोड़ा सा तड़का लगा के ना अपने ड्रेसेस भी डिजाइनर ड्रेस बना सकते हैं, और आप स्लिम लग सकती हैं, स्मार्ट लग सकती हैं, मतलब आप लोग कुछ भी लग सकती हैं। बस आप लोगों को खुद को सुंदर बनाना है, अच्छा बनाना है, खुद को अच्छा फील कराना है, वही सबसे बड़ी बात होती है। अच्छा आप लोग तो जानते हैं कि मैं जम्मू एंड कश्मीर से हूँ, लेकिन मैं नहीं जानती कि आप लोग मुझे कहाँ से देख रहे हैं। तो गाइज आज का जो आपने कमेंट करना है ना, आपने कमेंट ये करना है कि आप किस जगह से मुझे देख रहे हैं, कौन से इलाके से देख रहे हैं, अपनी सिटी अपनी कंट्री का आपने नाम लिखना है। और बहुत जल्द मिलते हैं और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।